अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हम्बल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये एक छोटा सिस्टम ने इंस्टॉल किया है हैदराबाद में, और इसको इंस्टॉल किए हुए तकरीबन कोई 18-20 दिन हो चुके हैं। ये आयरन स्ट्रक्चर है 12 पैनल्स का, इस साइड पर हमने 12 पैनल लगाए हैं। 400 वॉट के मोनोपर्क राइजन 6-6 पैनल की सीरीज़ है, और दो स्ट्रिंग्स हम नीचे लेकर गए। इस पर हमने आयरन यूज़ किया है बेस पर 16 गेज का, और ऊपर चौरस पाइप यूज़ किया है वो भी 16 गेज का है। अच्छा, ये इसकी बेस है जिसे हमने डॉल बोल के साथ फ्लोर से माउंट किया है, और फ्लोर से फिर हम ये बेस के साथ लेकर गए ऊपर सचर तक। अच्छा, ये आयरन स्ट्रक्चर को रेड ऑक्साइड करने के बाद जो है ब्लैक कलर करवाया है। ये प्रॉपर साउथ फेसिंग पर है, और टिल जो रखा है हमने इसके ऊपर वो रखा है 22 डिग्री का। ये 22 डिग्री का हमारा टिल्ट है, 180 डिग्री साउथ। वेल गाइस, इस पर हमने इंस्टॉल किया है नेटरॉक्स 5 किलोवाट। अच्छा, इसमें डुअल MPPT है, यही वजह है कि ऊपर से दो स्ट्रिंग्स नीचे लेकर आए हैं, और दोनों स्ट्रिंग्स हमने यूटिलाइज़ किए हैं। अच्छा, साथ में इसके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है हमारा, जिसमें हमने एक चेंजओवर और दो वोल्ट मीटर और एक डिजिटल एम्पियर मीटर लगाया है। रेड वाला वापरे पे, ग्रीन वाला सोलर पे, और ये टेंस का एम्पियर मीटर है जो हमने इस पर लगाया है। इस पर हमने केबल यूज़ की है, 6 mm यूज़ की है हमने PV इनपुट पे, और 6 mm ही हमने यूज़ की है वाटर की इनपुट पे और सोलर की आउटपुट पे। और बैटरी पर हमने यूजुअल 25 mm की केबल यूज़ की है। अच्छा, इससे बैटरी बैंक हमने इंस्टॉल किया है फिनिक्स TX 1800, विच इज़ 230 एम्पियर, बट एट 20 आवर्स। अच्छा, इसकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्दी एक वीडियो बनाऊँ जो बैटरी की के वोल्टेज, बैटरी के एम्पियर, बैटरी के वॉट्स की कैलकुलेशन पर मुनासिब हो, और उसमें एक्चुअल फिगर सामने आ जाती है कि बैटरी जो है हमें कितना बैकअप दे सकती है, कितने एम्पियर्स पर, कितने एम्पियर के डिस्चार्ज पे, कम से कम कितने एम्पियर का डिस्चार्ज होगा तो कितने एम्पियर का लोड दे देगी। अब जैसे कि बैटरी है 230 एम्पियर की, ये 230 एम्पियर की बैटरी उस वक्त है जब इस पर लोड होगा 5% का। अब 5% से अबव लोड होगा तो ये फिर हमें 230 एम्पियर नहीं देगी, पूरे उससे कम देगी। ये टॉल ट्यूबवेल बैटरीज हैं, और ये C20 टाइप कहलाती हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर जो है 5 किलोवाट, इसमें वाईफाई डोंगल साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है कंपनी की तरफ से, PV ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ बटन, कॉमन COM2 COM3 ये पैडल करने के लिए, जेनसेट और स्मार्ट लॉक की जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लोड ऑपरेट जो हम यूज़ कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसकी जो PV इनपुट है वो 6.5 किलोवाट है।
पीक आउटपुट 10 किलोवाट फॉर 10 सेकंड तक बेयर कर सकता है ये, जिसे हम सर्च कहते हैं। आउटपुट पे अगर लोड ज़्यादा होगा तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोवाट का लोड चला के दे सकता है। अच्छा, क्लाइंट के पास यहाँ पे दो चेंज होने लगे हैं, एक उसने अपने जेनसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं और सोलर के इनपुट हमने इसके दे दिए, और सेकेंडली जो है वो अपना हैवी लोड के लिए उन्होंने लगाया, सेकेंड चेंज हुआ, जो सोलर से या वाटर से चलाना चाहें तो चला सकते हैं। ये क्लाइंट का जेनसेट रखे मैं दो। अच्छा गाइस, इस पर हमने हैकर का चेंज ओवर लगाया अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर 102। अच्छा, ये 50 एम्पीयर की कैपेसिटी है इस चेंज ओवर की। ये हमारा डिजिटल एम्पीयर मीटर टेंस का, उसके साथ वोल्ट मीटर हमारे। अच्छा, इस पर हमने ब्रेकर यूज़ किए पीवी पर श्नाइडर के 63 एम्पीयर के 1000 वोल्ट डीसी। अच्छा, इस पर हमने हुंडई के ब्रेकर यूज़ किए एसी इनपुट और आउटपुट के लिए। 50 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया हमने एसी इनपुट के ऊपर, और 40 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया सोलर के आउटपुट के ऊपर। अच्छा, जो साथ में हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाया है ओवर अंडर वोल्टेज, इसको हमने कनेक्शन दिए अपने ब्रेकर से, और इसकी आउटपुट हमने लिए अपने चेंज ओवर में, अपने इन्वर्टर में सोलर के। अच्छा, इसमें हमने एक सीटी लगाई हुई है जो एम्पीयर सेंस करके दे रही है एम्पीयर मीटर को, और वो फिर हमें एम्पीयर बता रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें लगाया है 80 एम्पीयर का मित्सुबिशी का एसीडीसी ब्रेकर बैटरी बैंक के ऊपर। वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में मिलती रहें। और गाइस, अगर हमारे लिए कोई आपके पास सजेशंस हो तो वेल आर वॉर्म वेलकम, हमें अच्छा लगता है कोई हमें सजेस्ट करता है, और हम कोशिश करते हैं अपने काम में बेहतरी लाने की, उसी हम बिलीव करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पर, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम बेहतरी करने की चाहते भी हों और कोशिश भी करें उसके लिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पठान, फाइनल कमेंट्स। कमेंट्स आप लोग करेंगे, सजेस्ट करेंगे। अच्छा, ये इस वक्त इससे जो जनरेशन हमारे पास आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके बाद जो मैक्सिमम जनरेशन आई है वो आई है 16 किलोवाट तक, क्योंकि इन्होंने लोड इसके ऊपर इतना डाला है। ये 16 पावर की जनरेशन है, और मैं आपको अभी लोड भी दिखा देता हूँ, जो लोड चल रहा होता है क्लाइंट के पास वो 24 आवर्स का मिला के जो कंजप्शन है क्लाइंट के पास कोई 19 से 20 किलोवाट की है। मतलब जब से हमने इंस्टॉल किया 5 तारीख को हमने ऑन किया था सिस्टम, 5 तारीख से लेकर अभी तक 20 किलोवाट क्रॉसिंग किया क्लाइंट ने 24 आवर्स में, जिसमें हम क्लाइंट को जनरेशन दे रहे हैं मैक्सिमम जो जनरेशन गई है वो 16 किलोवाट तक गई है, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, जो जनरेशन है वो मैक्सिमम गई है सिस्टम के ऊपर 16 किलोवाट तक पर डे। एज यू नो के सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम जो भी होता है वो जनरेशन अपनी उसी वक्त बढ़ाता है जब यूटिलाइजेशन भी हो रही हो। अच्छा, अब जो क्लाइंट के पास यूजेज है ग्रिड से वो सिर्फ और सिर्फ 1700 आवर्स से लेकर 2100 आवर्स तक है,
और उसके बाद रात को 12 बजे से लेकर कोई 1 बजे तक है, और उसके बाद सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक थोड़ी सी है यूजेज, उससे पहले और उसके बाद नहीं है। बाकी जितना भी यूटिलाइजेशन है वो या तो सोलर से है या बैटरी पर है, दिन में सोलर से है और रात में बैटरी पर है। गाइज इंशाल्लाह इस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरह से जो है वर्कआउट कर रहा होता है MPPT आपका मैक्सिमम पावर पर ड्रिल, और जनरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। वेल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम। जी अदील साहब हैं हमारे जिनके पास लगाया हमने, ये इंजीनियर फैजल साहब हैं। ये दो जनरेटर हमने बंद कर दिए हैं, 6 kW का और 3 kW का। अच्छा, दो जनरेटर बंद कर दिए हैं और 5 kW का सिस्टम लगा दिया, सुकून हो गया जिंदगी में। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपको लाइट जाने का एहसास नहीं होता होगा? बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, ऐसा लग रहा है हम तो पाकिस्तान में रह ही हैं। फैजल भाई एनी कमेंट्स? नहीं, बस यही हुआ है कि मतलब इतना काम अच्छा हो गया, बिल्कुल पता नहीं चलता लाइट का, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। थैंक्स गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।